उरी हमले के बाद जिस तरह से भारत ने कड़ा रुख अपनाया है उससे पाकिस्तान हिल गया है। फिर चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पाक को अलग थलग करने की बात हो या फिर पीओके में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक करना, भारत के सख्त रुख ने पाकिस्तान को बैकफुट पर खड़ा कर दिया है। ये भारत के कड़े रुख का ही नतीजा है कि जो पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देने को मशहूर है वो अब उन्हीं आतंकियों को खत्म करने की बात कह रहा है। पाकिस्तान के डॉन न्यूज में छपी खबर की माने तो पाकिस्तान सरकार ने सेना से साफ साफ कह दिया है कि आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करो या अंतर्राष्ट्रीय पटल पर अलग थलग रहने के लिए तैयार रहो। अखबार के मुताबिक नवाज शरीफ ने मिलिट्री लीडरशिप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अलग थलग होने के खतरे से आगाह कर दिया है। सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान पर अलग थलग पड़ने का अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ता जा रहा है, साथ ही सरकार की ओर से उठाए गए कदमों पर एकमत होने का भी संदेश दिया है। सोमवार को पाकिस्तान की ऑल पार्टी मीटिंग में दो चरणों में कार्रवाई पर सहमति जताई गई। पहला आईएसआई के डीजी जनरल रिजवान अख्तर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नासिर जजवा सभी चार प्रांतों का दौरा करेंगे और राज्य की सर्वोच्च कमेटियों और आईएसआई सेंटर के कमांडरों को संदेश देंगे। संदेश ये होगा कि मिलिट्री समर्थित इंटेलिजेंस सरकार के ऐसे किसी भी कानून का विरोध नहीं करेगी जिसमें आतंकियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात हो। दूसरा ये होगा कि प्रधानमंत्री नवाज शरीफ पठानकोट हमले की जांच को अंजाम तक पहुंचाने की प्रक्रिया शुरू करेंगे, साथ ही लंबे समय से लटके मुंबई हमले के आरोपियों का ट्रायल रावलपिंडी के एंटी टेररिज्म कोर्ट में शुरू किया जाएगा। अखबार के मुताबिक ये फैसले पंजाब के मुख्यमंत्री शहबाज शरीफ और आईएसआई चीफ रिजवान अख्तर के बीच हुई तीखी नोकझोंक के बाद लिया गया, जो ये बताता है कि नवाज सरकार अब नई अप्रोच के साथ आगे बढ़ना चाहती है। ये पूरी खबर डॉन ने मीटिंग में मौजूद महत्वपूर्ण लोगों से बातचीत के बाद दी है।